never thought I'd feel like this. ये 20 बेसिक फ्लिपिंग ट्रिक आप बहुत इजीली लर्न कर सकते हैं जो मैं इस वीडियो में दिखाने वाला हूं। और गाइस ये इतने आसान है कि इन्हें आप खुद सेल्फ प्रैक्टिस करके सीख सकते हैं। बस आपको कुछ ट्रिक्स एंड टेक्निक को फॉलो करना है इन्हें सीखने के लिए। इस वीडियो में प्रत्येक फ्लिप को एक स्लो मोशन और एक नॉर्मल स्पीड के साथ दिखाऊंगा जिससे आपको समझने में आसानी हो। और गाइस इनमें से बहुत सारे फ्लिप का मैंने ऑलरेडी ट्यूटोरियल वीडियो बना रखा है जिनका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। आप इस वीडियो को देखने के बाद उन सारे वीडियो को देख के उन्हें स्टेप बाय स्टेप सीख सकते हैं। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं पहले फ्लिप को। फर्स्ट फ्लिप है पाम फ्लिप, जिसके लिए आपको फ्लेक्सिबिलिटी एंड कोऑर्डिनेशन दोनों की जरूरत पड़ती है। तो किस तरह से करना है एक बार देख लें। मूवमेंट बढ़ते हैं सेकंड फ्लिप की तरफ। सेकंड फ्लिप है मकाको, तो इसे सिंगल हैंड भी कर सकते हैं और बोथ लेग एक साथ भी कर सकते हैं। इस तरह से आप मकाको को कंप्लीट कर सकते हैं। बढ़ते हैं थर्ड फ्लिप की तरफ। थर्ड फ्लिप है बैक वॉक ओवर, इसके लिए आपको फ्लेक्सिबिलिटी एंड अपर बॉडी स्ट्रेंथ की जरूरत होती है। तो किस तरह से करना है, पहले दोनों पैरों को इस तरह से जोड़ लें। फोर्थ जो मूव है वो है जिमनास्टिक का बेसिक मूव, तो ध्यान से देखें कार्डविल 1 2 एंड अगला जो फ्लिप है वो स्टार्टिंग में बहुत सारे लोगों का फेवरेट होता है क्योंकि ये सीखने में काफी इजी है, बटरफ्लाई किक। तो पूरा मूवमेंट देखें। अगला जो फ्लिप है अक्षय कुमार को देखकर बहुत सारे लोगों ने सीखा कीप अप, लेकिन हम स्टाइलिश तरीके से करेंगे उसे। 1 2 अगला फ्लिप फ्रंट हैंड स्प्रिंग, तो ध्यान से देखें एक स्टेप होप लेना है। हेडे अगला जो मूव है वो फ्रंट में किए जाने वाले सारे फ्लिप का बेसिक मूव है डाइव रोल। तो किस तरह से करना है ध्यान से देखें एक बार। हेडे एट्थ जो फ्लिप है काफी स्टाइलिश है, स्टार्टिंग में बहुत सारे लोगों का फेवरेट होता है जैसे कि मेरा भी था रेज। तो किस तरह से करना है एक बार ध्यान से देख लें। गाइस आगे बढ़ते हैं ट्रिकिंग एरियल के साथ, तो ध्यान से देखें किस तरह से करना है, काफी स्टाइलिश है। बढ़ते हैं नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। नेक्स्ट ट्रिक है गम्बी, तो किस तरह से करना है एक बार ध्यान से देखें अच्छे से। हेडे अगला जो ट्रिक है काफी स्टाइलिश ट्रिक है टच डाउन रेज TDR, तो किस तरह से करना है एक बार ध्यान से देख लें। रेडी अगला जो फ्लिप है वो है फ्रिस्बी, काफी सिमिलर है चीट गेनर से, तो कैसे करना है एक बार देख लें। रेडी नेक्स्ट जो फ्लिप है वो है 180 डाइव रोल, किस तरह से करना है एक बार ध्यान से देख लें। बढ़ते हैं नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। नेक्स्ट ट्रिक है कार्डविल, क्रॉस कार्डविल, तो ध्यान से देखें किस तरह से करना है। ये
नेक्स्ट जो ट्रिक है वो आपको कॉम्बो के दौरान बहुत यूज होता है, स्कूट। तो स्कूट को कैसे करना है, इससे आपको फोर्स अप्लाई करने में भी मदद मिलता है। एक बार दोबारा से देख लें, यहां से मूवमेंट, ये आपका स्कूट का पूरा मूवमेंट है। बस बढ़ते हैं नेक्स्ट राउंड ऑफ की तरफ। राउंड ऑफ किस तरह से करना है, फुल मूवमेंट, वन स्टेप फॉरवर्ड एंड पुश। तो गाइस बढ़ते हैं फाइनल मूव की तरफ। फाइनल मूव के लिए चाहिए आपको रिदम, फ्लो एंड फ्लेक्सिबिलिटी। तो किस तरह से करना है ध्यान से देखें, वन टू। सो गाइज इनमें से किसी भी फ्लिप का आपको अगर ट्यूटोरियल वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वैसे मैंने ऑलरेडी बहुत सारे फ्लिपों का ट्यूटोरियल वीडियो बना रखा है जिनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप वहाँ जाके स्टेप बाय स्टेप सीख सकते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि हम फ्यूचर में आने वाले वीडियो से कनेक्टेड रहें। वीडियो देखने के लिए और मेरे साथ बने रहने के लिए थैंक यू, बाय बाय, फिनिश।